हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सबको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल इग्नो शिक्षा डॉट कॉम में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट की पेपर टू एडुकेशन, इसकी पहला यूनिट जो है एडुकेशनल स्टडीज़, वह में एक टॉपिक है जो मार्क्सिज्म। फ्रेंड्स, आज मार्क्सिज्म को लेके हम बात करेंगे, देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मार्क्सिज्म जो फिलोसफी है वो कैपिटलिज्म और आइडियलिज्म जो है ये दोनों बाद के विरोध में है। क्या है? कैपिटलिज्म और आइडियलिज्म, दोनों फिलोसफी के अगेंस्ट में ये फिलोसफी मार्क्सिज्म आया है। सो दोस्तों, वर्ल्ड के जितने पॉपुलेशन था उस टाइम में, इसमें कैपिटल जो है, कैपिटल 5 से 10% लोगों के अंदर सारे कैपिटल चला गया था, और 90 से 95% लोगों के पास कैपिटल नहीं था। लेकिन उनके पास एक कैपिटल था, वो क्या है? वो अपना खुद का शरीर, खुद का बॉडी, वो लेबर बन गया था। तो लेबर क्लास, कार्ल मार्क्स ने जो अपना थ्योरी एस्टैब्लिश किया, वो थ्योरी एक स्ट्रगल का थ्योरी था। इसमें क्या है? कैपिटलिस्ट के साथ जो लेबर क्लास की स्ट्रगल का एक थ्योरी था। तो ये थ्योरी कब आया? कार्ल मार्क्स उनके एक फ्रेंड फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलके द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये लिखा हुआ था जनवरी 1848 में पब्लिश्ड हुआ था, फेब्रुआरी 1842। ये मैनिफेस्टो जब वर्ल्ड में पब्लिश हुआ, तब जो क्लास स्ट्रगल है, उस क्लास स्ट्रगल के अगेंस्ट अंदर जो थ्योरी है, इसको गाइडिंग जो प्रिंसिपल से, इस प्रिंसिपल को इस मैनिफेस्टो ने निकाल दी। क्या क्या क्लास स्ट्रगल्स के फेवर में क्या था? क्या इतने दिन जो आइडियलिज्म है, जो कैपिटलिस्टिक थ्योरी है, या इस थ्योरी ने कितना लोगों को परेशान किया है, वो सब इस मैनिफेस्टो में पब्लिश हुए थे। एक और इम्पोर्टेंट किताब था इनके, जो है दास कैपिटल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिटेल बात करेंगे जो हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में, जो पेपर 2 यूजीसी नेट पेपर 2 एडुकेशन सब्जेक्ट में, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये था पहले जो किताब जो आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस किया है। तो ये जो क्लास स्ट्रगल है, क्यों हुआ है? मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट था, उनने अपने आपके शरीर के बुनिया, उनके पास कुछ नहीं था, वो जीने के लिए बहुत ही वार्स करना पड़ता था। तब का जो दिन है इंग्लैंड में, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ही नीचे था। तो जो कैपिटलिस्ट पीपल है, उन्होंने जो एडुकेशन सिस्टम चलाया है, इस एडुकेशन सिस्टम में जो प्रिंसिपल्स था, जिसके बारे में एडुकेशन दिया जाता था, ये फिलोसोफिकली ये कैपिटलिस्ट के फेवर में था। क्या था? वो कैपिटलिस्ट कैसे और भी ज़्यादा कैपिटल मुनाफा को डेवलप करना, कैसे इंक्रीज करना, इनके बारे में इसमें थ्योरीज था। और ये भी था कि और लोगों को कैसे
एक्सप्लॉइट करने के लिए जो तरीकास है इन्हें भी इसमें कैरिकुलम में शामिल था। एक्चुअली ये बात था ऐसे कि जिनके पास कैपिटल नहीं है वो एडुकेशन लाना, एडुकेशन रिसीव करना नामुमकिन ही था, क्योंकि सपोज ही मान लीजिए सक्सेस है एडुकेशनल के, एडुकेशनल सक्सेस, इसमें हम दो बातों में बांट दिए, इसमें कैपिटलिस्ट, इसमें लेबर क्लास। तो देखिए दोस्तों, इनके पास नो मनी, हंग्री, ये था इनके पास मनी, प्लेजर, ये था। तो यहां क्या हुआ, जो कैपिटलिस्ट है उनके पास मनी था, प्लेजर था। तो अगर उनके पास मनी है, दिमाग शांत है, तो वो जो इस फैमिली में जो बच्चों का जन्म होगा उनका एडुकेशन सही मायने में हो सकेगा। इनके पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है, तो भाई पढ़ने का, स्कूल जाने का कोई बात ही नहीं होते। हंगर, उनके फैमिली में हंगर ही होता है, क्योंकि वो जो लेबर क्लास के जो बच्चा है वो स्कूल में जाने से पहले सोचता है, उसका गार्डियन के थॉट में ऐसे आता है कि मेरे बच्चों को स्कूल में भेजना नहीं है, वो मेरे साथ फैक्ट्रीज में आएगा, मेरे साथ काम करेगा, ताकि उनकी जो काम होगा फैक्ट्री में वहाँ से कुछ भी इनकम हो सकता है जो ये फैमिली में काम में आएगा। तो ये था भावना, ये सामने जा सकता है, इनके जाने का कोई चांसेस नहीं है। सो अगर अनएडुकेटेड हो, लेबर हो, तो इसके नेक्स्ट जेनरेशन भी जो है वो आगे जाने का संभावना नहीं है। सो यहाँ जो स्ट्रगल हुआ है, ये स्ट्रगल कार्ल मार्क्स उनके दोस्तों के साथ मिलके इन जो चीजों को, जो क्लास हो गया, दो क्लास हो गए, एक है कैपिटलिस्ट है, दूसरे है लेबर क्लास। लेबर क्लास कभी भी आगे जाने का चांसेस नहीं है कैपिटलिस्ट, और भी कैपिटलिस्ट का जो कैपिटल है और भी ज्यादा होता जा रहा है। क्यों? इनके जो एक्सप्लॉयटेशन है वो और भी ज्यादा और साइंटिफिक वे से चलते जा रहे थे। जो अगर कैपिटल बढ़ गया तो दूसरे लोगों के पास जो है गरीबी और भी बढ़ सकते हैं। तो इसमें आके मार्क्स ने एडुकेशनल व्यू से जो सोचा है, क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि एडुकेशन भाई सबके अगर नहीं हो तो कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकते। तो हम बेसिक जो नीड्स है, बेसिक जो नीड्स हमारे लिए एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो नीड्स है, इनको हम अब बात करते हैं। देखिए मार्क्स में जो मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है उनमें पहला जो व्यू रखा है वो है फ्री एडुकेशन फॉर ऑल। ये बहुत ही बढ़िया बात कह दी कि फ्री एडुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन, फ्री में शिक्षा होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? इन पब्लिक स्कूल, यानी गवर्नमेंट का जो स्कूल है उसमें फ्री एडुकेशन सबके लिए होना चाहिए। यानी उनका जो व्यू था वो एडुकेशन को सबके पास लेके जाना है। उसके बाद में जो ये पहला पॉइंट था, दूसरी था, ये हमको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एवोल्यूशन ऑफ चिल्ड्रंस फैक्ट्री लेबर। चिल्ड्रेन जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको बैन करना, क्योंकि अगर बच्चों फैक्ट्री में काम में जाए तो
तो उनका एडुकेशन कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए चिल्ड्रेन को फैक्ट्री में काम करना, जो चाइल्ड लेबर के बात होते हैं, आज वो उन्होंने काफी पहले से बल दिया था कि फैक्ट्री में या चाइल्ड लेबर होने से वो एजुकेशन में सामने नहीं जा सकेगा। तीसरी जो बात की है, अगर कोई चिल्ड्रेन फैक्ट्री में जाता है उसमें क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन विद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहाँ एजुकेशन प्लस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये तीनों सिद्धांत मार्क्स की था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्या है, पहला तो कहा फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, ऑल चिल्ड्रेन गवर्नमेंट स्कूल में, जो पब्लिक जो है पब्लिक स्कूल है इसमें चिल्ड्रेन का फ्री एजुकेशन होना चाहिए। दूसरे बात उन्होंने कहा कि एवोल्यूशन ऑफ चिल्ड्रेन्स फैक्ट्री लेबर, जो चाइल्ड लेबर है, जो स्ट्रेट बात में है, जो चाइल्ड लेबर जो है उसे बंद करना। तीसरी जो बात है, एडुकेशन के साथ क्या जोड़ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को जोड़ देना, ताकि जो एडुकेशन हो ये थियोरिटिकल कोई बात ना हो, और ये एडुकेशन सामने जाके इस चिल्ड्रेन की अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू में फायदेमंद हो सके। तो दोस्तों ये तीन ही जो पॉइंट है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसे ध्यान रखना होगा। और एक चीज़ पहले मैं बताया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये किस थ्योरी के अगेंस्ट है, ये आइडियलिज्म जो थ्योरी है, आइडियलिज्म थ्योरी के अगेंस्ट में क्या हुआ, मार्क्सिज्म का जन्म हो गया। और ये तीन फैक्टर्स जो है, एडुकेशन फॉर फ्री एडुकेशन इन पब्लिक स्कूल, ये याद रखना, जो चाइल्ड लेबर है उसे बंद करने के जो बात की ये याद रखना। तीसरी जो है, एडुकेशन के साथ इंडस्ट्रियल एडुकेशन की जोड़ना, ये इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। सो आई थिंक आप सबको इट्स पॉइंट याद होंगे एग्जाम के टाइम में। तो प्लीज़ आप सबको बहुत ही थैंक्स है कि आप मेरे वीडियो को इतना टाइम देके देखा। और जो फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें हमारा मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा, और लाइक एंड शेयर भी कर देना दोस्तों। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। डेली मैं दो क्लास, एक एजुकेशन पेपर टू की एक क्लास और एक क्लास जो पेपर वन की है वो अपलोड देता हूँ वीडियो। आप देखते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय।